हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के लिए अनस्किल्ड कैटेगरी का 2030 यानी कि 2030 तक बंद है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, लगातार एक कमेंट कि यूएई का जो वर्क वीज़ा है अनस्किल्ड कैटेगरी के लिए पाकिस्तानियों के लिए और बांग्लादेशियों के लिए, ये यूएई गवर्नमेंट की तरफ से 2030 तक का बंद कर दिया गया है। उस कमेंट में भी बहुत सारे टाइप्स के कमेंट स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजा के जा रहा है इंस्टाग्राम पे कि मैम, क्या आप देख रही हैं आपके वीडियो में ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, आप इसका कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी ऐसा मैसेज कर रहा है कि 2030 तक यूएई का वर्क वीज़ा बंद कर दिया गया है, वो बिल्कुल गलत है। वो खुद क्या काम करता है, क्या है, क्या वो यूएई का गवर्नमेंट है? आप अगर मेरे से पूछेंगे या पूछे होंगे कि यूएई का वर्क वीज़ा अनस्किल्ड कैटेगरी का कब ओपन होने वाला है, तो मैं हमेशा यही रिप्लाई दूंगी, जब ओपन हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी। ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, किसी को भी नहीं है कि वर्क वीज़ा अनस्किल्ड कैटेगरी का कब ओपन किया जाएगा। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि 2030 तक के बंद है? तो रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को डिमोटिवेट मत कीजिए। बहुत लोग यहाँ पर जॉब के लिए आना चाहते हैं। सिचुएशन, मैं हमेशा से बोलते आई हूँ, सिचुएशन थोड़ा सा ठीक होने दीजिए, उसके बाद जब मैं बताऊंगी आप लोगों को या आप लोग सुनेंगे ही कि अनस्किल्ड कैटेगरी का वीज़ा लगने लगा है, उसके बाद आप लोग आ सकते हैं। इस समय पे आप अगर किसी को पैसे दे रहे हैं या विजिट वीज़ा लेकर आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो उससे आपके पैसे और आपका समय दोनों बर्बाद होगा। लेकिन ऐसा, ये पूरा पूरा एक फेक चीज़ है या फेक कमेंट है, मैं बोल सकती हूँ, या बंदा खुद जब फ्रस्ट्रेशन में रहता है ना तो ऐसे टाइप्स के कमेंट करता है। शायद वो स्किल कैटेगरी में आता है तो भी उसका वीज़ा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए वो ऐसा कमेंट कर रहा है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इतने लंबे समय तक वीज़ा बंद रखा गया है, ठीक है? तो वेट कीजिए, ज़रूर से ओपन होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जब स्किल्ड कैटेगरी की ज़रूरत है एक कंट्री में, तो अनस्किल्ड कैटेगरी की भी ज़रूरत है। वो अनस्किल्ड कैटेगरी का काम कौन करेगा? वो अनस्किल्ड कैटेगरी ही करेगा। हर किसी का अलग काम होता है और एक कंट्री को हर किसी की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अभी बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा भी बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत भी बोल सकते हैं, डिपोर्टेशन चल रहे हैं। बहुत अंदर की बात आपको बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिपोर्टेशन चल रहे हैं, पुलिस लोगों को पकड़ रही है रास्ते से, जो लोग भी इलीगल काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आई होप कि सारी वीज़ा जो है उसको ओपन किया जाएगा, चाहे वो स्किल्ड कैटेगरी हो, अनस्किल्ड कैटेगरी हो, किसी भी कंट्री का हो। तो ऐसे कमेंट से आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। बहुत दिन से ये आ रहा है कि मैम, आप कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, इसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।